हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रेसमैन शेयर के बारे। इसका पूरा नाम है प्रेसमैन एडवर्टाइजिंग लिमिटेड। आज हम लोग इस शेयर का जानने वाले हैं प्रमोटर होल्डिंग्स, रिटर्न्स, टारगेट और स्टॉप लॉस और फंडामेंटल्स। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोग के लिए इस टाइप के वीडियो बनाते रहता हूँ। और पर डे आपको 1% से 4% का प्रॉफिट चाहिए तो आप लोग मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। और मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले जानेंगे रिटर्न्स और प्रमोटर होल्डिंग्स, उसके बाद टारगेट एंड स्टॉप लॉस और फिर लास्ट में फंडामेंटल। तो चलते हैं हम लोग मनी कंट्रोल ऐप पर और प्रेसमैन का शेयर सर्च करते हैं। तो आ चुके हैं फ्रेंड हम लोग मनी कंट्रोल ऐप पर। अब यहाँ पर हम लोग सर्च करेंगे प्रेसमैन, PREESSMN कर देते हैं शॉर्टली। वो नहीं आया, फिर से मुझे करना पड़ेगा। ये देखो फ्रेंड आ गया प्रेसमैन एडवर्टाइजिंग। पिछले दिन में ये अपर सर्किट पे रहा है। अब मैं इसका रिटर्न देखता हूँ पहले। तो रिटर्न देख के जो जितने भी रिटर्न इसकी दिखाई जा रही है सारे के सारे ग्रीन 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 है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक वीक की रिटर्न देखिए तो 14% से ज़्यादा है, एक मंथ की देखिए 7% से ज़्यादा है, थ्री मंथ की देखिए 49% से ज़्यादा का पॉजिटिव रिटर्न है, सिक्स मंथ का देखिए 62% से ज़्यादा का पॉजिटिव रिटर्न है, वन ईयर का देखिए 109% से ज़्यादा का पॉजिटिव रिटर्न है, टू ईयर में देखिए तो 179% से ज़्यादा का पॉजिटिव रिटर्न है, थ्री ईयर में देखिए 216% से ज़्यादा का पॉजिटिव रिटर्न है, फाइव ईयर में 19% से ज़्यादा का पॉजिटिव रिटर्न है। इसने अपने निवेशकों को सिर्फ अच्छा रिटर्न दिया है, नेगेटिव रिटर्न तो एक भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड। तो हमने रिटर्न देखा। अब हम लोग चल के इसका शेयर होल्डिंग देखेंगे कि प्रमोटर के पास कितनी होल्डिंग्स है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग शेयर होल्डिंग्स पे चलते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रमोटर के पास जो है 43.09% की होल्डिंग है और पब्लिक के पास 56.89% की होल्डिंग है, और DII के पास 0.01% की होल्डिंग है, अदर होल्डिंग जो है आपकी 0.01% है। मतलब DII की होल्डिंग और अदर होल्डिंग सेम है, प्रमोटर होल्डिंग थोड़ी सी कम है और पब्लिक होल्डिंग थोड़ी सी ज़्यादा है, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं चार्ट पे और चार्ट पे चल के जानेंगे इसका टारगेट और स्टॉप लॉस लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड मैंने यहाँ पे सर्च किया, प्रेसमैन आ चुका है। तो चलते हैं हम लोग चार्ट पे। तो ये हमारा प्रेसमैन का चार्ट ओपन हो चुका है फ्रेंड। देखिए ये 52 वीक के हाई पे है, मैं आपको ये सब दिखाऊंगा, ठीक है। पहले मैं यहाँ पे टारगेट और स्टॉप लॉस बताता हूँ। पहले मैं शॉर्ट टर्म के लिए बताऊँगा टारगेट और स्टॉप लॉस। उसके लिए मैं डे कैंडल का चार्ट ले रहा हूँ। तो डे कैंडल पर इसका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा 73 रुपये का, सेकेंड जो टारगेट होगा वो होगा 84 रुपये का, और थर्ड जो टारगेट होगा वो होगा 110, ठीक है फ्रेंड। ये शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट होंगे तीनों। अब हम लोग आते हैं इसके स्टॉप लॉस पे। अगर बात करें इसके स्टॉप लॉस की तो इसका फर्स्ट स्टॉप लॉस होगा 64 रुपये का, सेकेंड स्टॉप लॉस होगा इसका 57 रुपये का, और इसका थर्ड स्टॉप लॉस होगा 47 रुपये का, ठीक है फ्रेंड। अब हम लोग चलते हैं लॉन्ग टर्म के टारगेट्स पे। उसके लिए हम लोग वीकली कैंडल या मंथली कैंडल ले सकते हैं, मैं वीकली कैंडल ले रहा हूँ। तो वीकली कैंडल पे इसका जो फर्स्ट टारगेट होगा लॉन्ग टर्म पे वो होगा 72 रुपये का, ठीक है फ्रेंड। मैं अपने से कुछ भी नहीं बता रहा हूँ, जो टारगेट्स आ रहे हैं मैं वही बता रहा हूँ, ठीक है। सेकेंड जो टारगेट होगा वो होगा आपका 101 का, ठीक है फ्रेंड। अब हम लोग बात करेंगे इसका स्टॉप लॉस की। तो इसका फर्स्ट स्टॉप लॉस है 57 रुपये का, और सेकेंड स्टॉप लॉस है 43 रुपये का, ठीक है फ्रेंड। ये तो मैंने वीकली कैंडल पे मैंने आपको बता दिया है, फर्स्ट टारगेट जो है 72 रुपये का होगा और सेकेंड टारगेट जो होगा वो होगा 101 रुपये का, ठीक है। और स्टॉप लॉस जो होगा, फर्स्ट स्टॉप लॉस होगा आपका 57 रुपये का, और सेकेंड स्टॉप लॉस जो होगा वो होगा 43 रुपये का, ठीक है फ्रेंड। तो मैंने लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों में आपको टारगेट और स्टॉप लॉस बता दिया। आप लोग सोच रहे होंगे कि
डे कैंडल शॉर्ट टर्म का टारगेट जो था वो ज़्यादा अच्छा था। तो जिस तरीके से निकल के आता है फ्रंट टारगेट और स्टॉप लॉस, मैं उसी टाइप से बताता हूँ, ठीक है? अपने से हम कुछ नहीं बताते। तो चलिए अब हम लोग इसका फंडामेंटल्स चेक करते हैं। देखिए मैंने इस पर टिक किया, अब चलते हैं हम लोग इसके फंडामेंटल्स पे। अब फंडामेंटल्स पे आप देख सकते हैं ये 52 वीक की हाई पे है। 52 वीक की हाई की बात करें 68 रुपये 50 पैसा है, ठीक है? और मंथली रिटर्न देख लीजिए 7% से ज़्यादा है। ईयरली रिटर्न देखिए 109% से ज़्यादा है। 52 वीक लो की बात करें तो 29 रुपये 35 पैसा है। मार्केट कैप की बात करें तो 145 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। ये एक स्मॉल कैप का शेयर है, ठीक है? इसका यहाँ पूरा नाम देख सकते हैं, क्रेसमैन एडवर्टाइजिंग लिमिटेड। अब हम लोग इसका इवेंट्स देखते हैं। इवेंट्स की बात करें तो 23 फरवरी को इसका इवेंट जो है अनाउंसमेंट हो चुका है, ठीक है फ्रेंड? 23 आज कितना डेट है, तो आज 27 फरवरी है। अब न्यूज़ की बात करें तो इस शेयर पे कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ नहीं है फ्रेंड, तो इस शेयर पे हम लोग कोई भी न्यूज़ की बात नहीं करेंगे। तो आशा करता हूँ फ्रेंड ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।